और बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण कर आम पौधा लगाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्वालियर की धरती पर पधार रहे हैं, हम उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अचूक रणनीति, जेपी नड्डा का मार्गदर्शन और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि पांचवी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, इस सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि बस भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं ग्वालियर में, उनका हृदय से स्वागत है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन जन के मन में है। उनका स्नेह सदैव मध्य प्रदेश को मिलता रहा है और डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास भी किया है। फिर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई की अचूक रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं, चाहे वो लाडली बहना हो जिसने बहनों की जिंदगी बदल दी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का महिला सशक्तिकरण का एक लंबा सफर है जिसने बहनों के हृदय में एक अलग स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया। और चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है।